कार्यक्रम का उद्देश्य हम वंचितों के बीच एक ऐसे महान पुरुष को सामने लाए हैं जो विद्यार्थी या जो गार्जियन ये कहते अपने बच्चे को नहीं पढ़ाते कि हम गरीब है कहाँ से बच्चों को पढ़ाएंगे। हम उस गार्जियन को ये दिखाना चाहते हैं कि हमारे बीच मनोज कुमार नोनिया जी, अगर इनका गार्जियन ये सोचे होते कि हम गरीब बच्चे को कहाँ पढ़ाते, आज मनोज जी इस मुकाम पे नहीं पहुंचे। इसलिए गरीबी के आड़ देख के बच्चे को पढ़ाना बंद ना करें, इसी उद्देश्य से हम मनोज जी के समाज के बीच में लाए हैं कि इनको देख के आप अपने आधी रोटी खाइए और बच्चे को पढ़ाइए। दूसरा उद्देश्य हमारा है कि सरकार, चाहे भारत सरकार का मामला हो या राज्य सरकार का मामला, हम वंचितों के उत्थान के लिए जो भी राशि बैंक के माध्यम से हमें बांटने के लिए पहुंचाता है, बैंक के लापरवाही से वो राशि हमारे बीच नहीं पहुंच पाती। चाहे इसके लिए हर बैंक का वेलफेयर फंड होता है, वो फंड इसलिए होता है कि समाज के हित में काम आए, लेकिन मैनेजर साहब लापरवाही के कारण पैसे समाज के बीच में नहीं देते। हम मनोज जी से आग्रह करेंगे कि हम चाहेंगे कि जो भी वेलफेयर फंड आपके पास है हम वंचितों के बीच में लाए, छापल को उतारे, ताकि उससे हमारा गरीबी उद्धार हो। जब तक हम सरकार को साथ नहीं देंगे, सरकार हमारे लिए क्या करे? सरकार या देश का तभी विकास होगा जब हम वंचितों के विकास होगा।